तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कोचिंग सी पी आर न्यू वैकेंसी 2023 मंबर वैकेंसी यहां पे आ चुकी है। और यहां पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है और ये 10th आईटीआई के लिए है। और ऑल इंडिया पे आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र क्या होगा, मतलब कि आपका एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पता नहीं रहेगा तो फिर फॉर्म भरने का पता मतलब ही कुछ नहीं बनता है। तो फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ए टू जेड आपको जानकारी मिल जाएगा इस भर्ती के रिगार्डिंग, कैसे क्या फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई डेट क्या है, एंड एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड इसका नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, शो टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, बाकी जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आते रहेगा आपको टेलीग्राम पे ही गवर्नमेंट जॉब लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोचिंग सीपीआर लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन, ये रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, डेटेड 11 जुलाई पोस्टेड हुआ है ये। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका मांगा गया है, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते चलिए, और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे देखने को नेम ऑफ पोस्ट, ट्रेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, राइट। तो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका यहीं पे सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मिनिमम जो आपका चाहिए वो। चलिए तो यहाँ पे आपको मैं बात कर लूँ, यहाँ पे सीट मेटल वर्कर के लिए वैकेंसी है और यहाँ पे 10th पास एंड आईटीआई यहाँ पे मांगा गया है, राइट। 10th पास और आईटीआई आपका होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि ये वैकेंसी ही 10th पास एंड आईटीआई। सिर्फ क्या 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ 10th पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आईटीआई एकदम मैंडेटरी है। तो जिसके पास भी आईटीआई होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, 10th एंड आईटीआई दोनों ही कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है। या फिर अगर आप 8वीं पास हो और सिर्फ आईटीआई किया है 8वीं के बाद, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 10th मैंडेटरी रखा गया है, 10th एंड आईटीआई दोनों ही आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। तो ये जिस भी ट्रेड में है उसमें आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे वेल्डर के लिए भी सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, और आउटफिट असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाएंगे, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम सारा चीज़ वही है, फीटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, पेंटर, ओके, ये लिए वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो ये सारा कुछ आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और सिप, राइट, यूड के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है, 10th पास पे रखा गया है, और साथ में आईटीआई आपका मैंडेटरी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए, जितना भी वैकेंसी है इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, कितना, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है इस ट्रेड में, राइट। तो ये आपका होना चाहिए, राइट, ओके। तो ये आप देख सकते हैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट मेटल वर्कर कितना किस पोस्ट में, सबसे पहले बात कर ले ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा आपका वो 14 जुलाई से, मतलब कि फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो होने वाला 28 जुलाई, मतलब कि 14 से 14, मतलब कि 14 दिन ही आपके पास टाइम है ओनली, और ये कल से ही स्टार्ट हो चुका है, आज है 15 तारीख। तो फटाफट जाके आप अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, ओके, जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस भर्ती में। और ये बात कर लेता हूँ, चलिए कुछ वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व में रखा गया है। तो देखिए सीट मेटल वर्कर वेल्डर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर जो दे रखा है यहाँ पे, चलिए मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, ये देख सकते हैं 21 पोस्ट वेल्डर के लिए 34 पदों पे भर्ती है, फीटर के लिए 88 पद है, मैकेनिक डीजल के 19 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5 है, प्लम्बर के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेंटर के लिए 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 42 है, सबसे ज़्यादा फीटर और इलेक्ट्रीशियन 2 पदों पे भर्ती है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 34 और सुपरवाइजर जो वुड है वो 5 भर्ती यहाँ पे दे रखा है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो आपका वैकेंसी है वो 300 पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है, राइट, कितना 300 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ और है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका टेबल 3 जो दे रखा है, लो डिवीज़न, डीफ एंड हार्ड ऑफ, ये डिवीज़न आपका दे रखा है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का ये चीज़ दे रखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अदरवाइज, हाँ ओके। चलिए बेंचमार्क ये भी पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आपका जो सैलरी मिलेगा वो देखिए
सबसे जगह तो बहुत जगह भी एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट ही समझा दूँ। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही समझ लीजिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो वैकेंसी यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकिए वैकेंसी डिटेल ये दे रखा, वर्कमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2022-18 डेटेड 11 जुलाई। तो यहाँ पे सीधा सीधा था वर्कमैन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर CSI। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये जो भर्ती निकाला गया है परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे एज अग्निवीर आप समझ लीजिए, ये जैसे कि 4 साल का था, तो ये कितने साल के लिए रखा जाएगा, 3 साल के, 3 साल के लिए ही रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये भर्ती 3 साल के लिए ही आपको रखा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो ये आप समझ लिया आपने कितने साल के। तो कॉन्ट्रैक्ट बार बार आ रहा था, मैंने सोचा आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दे रखा है 3 ईयर्स दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि टेम्परेरी बेस पे रखा गया है, मतलब कि 3 साल के लिए, नॉट परमानेंट। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर जो आपका सैलरी मिलेगा 23,300, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो वो 4,900 एक्स्ट्रा ऐड होगा इसमें। सेकेंड ईयर में 24,000 मिलेगा जो, और 5,000 ऐड होगा एक्स्ट्रा, जो आप ओवर टाइम जैसे बोलते हैं ना, OT वगैरह वो वाला। और यहाँ पे थर्ड ईयर में 24,800 और यहाँ पे 5,100 मिलेगा आपका एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी इंटरेस्टेड है भर सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि इसमें दे रखा है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, साथ में फेज 2 जो ट्रेड से रिलेटेड मतलब कि प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, नॉर्मल से क्वेश्चन होगा, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आपका टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 35 मिनट का आपको यहाँ पे दे रखा है टाइम जनरल ए में, और यहाँ पे उसके बाद पार्ट बी जो 20 मार्क्स इच क्वेश्चन कैरी और 1 मार्क ये दे रखा है। निगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। चलिए जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, 10th पास प्लस साथ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है 600 रुपया आपको जनरल के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ये आप ध्यान दीजिए। जनरल के लिए पेमेंट आपको 600 रुपया आपको करना होगा, बाकी SC ST कैंडिडेट जो होंगे और जनरल OBC वगैरह 600, यहाँ पे EWS वाले 600 रुपये पेमेंट। SC ST कैंडिडेट यहाँ पे एक भी पेमेंट नहीं करना, मतलब 0 रुपीज़ है SC ST कैंडिडेट। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हो ऑनलाइन, ये वेबसाइट है, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, सो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे, और उसके बाद यही सब सारा चीज़ प्रोसेस दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, कोई रनिंग वगैरह ये सब कुछ है नहीं। तो बाकी ये सारा कुछ यही है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग इस भर्ती को एज आपको सोचे सरकारी बता दे या फिर परमानेंट बोल के थंबनेल पे बराबर लगा के बता दे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये सीधा सीधा समझ लीजिए, 3 साल के लिए ही रखा जाएगा, इनका काम खत्म हो उसके बाद भगा देंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा, जाके और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट, गवर्नमेंट जॉब अपडेट है, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें।